सारंगढ़ क्षेत्र सांस्कृतिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर है। आपको बता दें यहाँ प्रतिवर्ष अमर शहीदों की यात्रा याद में मेले का आयोजन किया जाता है, परंतु पिछले 3 वर्षों से शासन अनुमति नहीं दे रहा है। इस बार भी अनुविभाग अधिकारी राजस्व द्वारा मेले की अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। अनुमति नहीं मिलने के विरोध में आयोजन समिति के सदस्यों के साथ नागरिकों ने नगर के हृदय स्थल भारत माता चौक में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें गिरविलास पैलेस द्वारा जमीन पर अपना अधिकार दावा करने के पश्चात स्थान प्रशासन ने मेले का आयोजन विगत 3 वर्ष से रोक दिया है, जिसके बाद अब नागरिकों का प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। आगामी 26 जनवरी को मेला आयोजन की अनुमति मिले इसके लिए आयोजन समिति के साथ आम नागरिकों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन का बिगुल फूंक दिया। आपको बता दें धरने के समर्थन में सारंगढ़ के सभी व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया। मूल कारण यह था कि सारंगढ़ में जो ऐतिहासिक श्री विष्णु महायज्ञ जो कि अमर शहीदों के याद में होता रहा है, और सन 1956 के बाद से लगातार इसमें सांस्कृतिक भावनाओं को बढ़ाने के लिए, आपसी भाईचारा सहोदर को बढ़ाने के लिए मेले का आयोजन होता रहा है। इसे विगत चंद वर्षों से कुछ लोग इसे अव्यवस्थित करने की मंशा के साथ उस जमीन को हथियाने संबंधी बहुत से कुकृत्य करते रहे हैं, और इस बार भी हमारे आवेदनों पर पहले विचार नहीं हो रहा था, किंतु जो अनिश्चितकालीन धरना हमने किया और इस धरने में जो हमने मंच बनाया, एक तो विष्णु महायज्ञ मेला समिति और दूसरा सर्वदलीय मंच रहा है, जिसमें सभी लोगों ने अपनी सहयोग प्रदान किया अपना, जिसके फलस्वरूप ये जो अनिश्चितकालीन धरना है वह समाप्त इस कारण हुआ क्योंकि इसे परमिशन मिला, और यह परमिशन लगभग एक प्रकार से स्थायी परमिशन के रूप में है, क्योंकि एक बार यह परमिशन मिला है तो आने वाले समय के लिए भी एक रास्ता साफ हुआ है। मुख्य कारण क्या है जो मुख्य कारण है? वह स्थल जहां पर मेला का आयोजन होता है, उस स्थल में कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति लगाई जाती रही है, और उसके पीछे उनकी मंशा यह रही है कि वह जमीन उनकी निजी है, तो स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उनके पास अपूर्ण है, और वास्तविकता में यदि आप पुराने इतिहास पर जाएं तो वह जमीन न सिर्फ शासकीय हो चुकी है बल्कि पुराने समय में मेला समिति को दान दी हुई जमीन भी है। इस विषय पर हमने कलेक्टर महोदय को, SDM महोदय को हमने जानकारी प्रदान की थी, और जिस तारतम्य में उन्होंने आज हमें अनुमति प्रदान की। देखिए हम लोगों के आंदोलनों को और जो भी जनहित से जुड़े हुए आंदोलन रहे हैं उसमें हमेशा से व्यापारी वर्ग का पूर्ण योगदान, पूर्ण सहयोग रहा है, जिसके लिए मैं आपके इस मंच के माध्यम से उन सभी को सादर साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे समिति की ओर से, समिति का एक स्थायी सदस्य होने के नाते, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन, वंदन और अभिनंदन। जो विशेष मांग थी आप लोगों ने जी, मुख्य रूप से जो हमारी मांग थी मेला की, वह हमारी पूर्ण हुई है, और अगला हमारा प्रयास रहेगा कि एक व्यवस्थित तौर पर एक अच्छा सम्मेलन हो और आने वाले समय में भी इसे बेहतर बनाने की दिशा में हम कार्य करें। कब से प्रारंभ हो गया हमारा मेला? 26 जनवरी से प्रारंभ होकर के 3 फरवरी तक। सारंगढ़ में जो 1954 से विष्णु महायज्ञ गठन में मिला के आयोजन होते आ रहा था, उसमें पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, और व्यवधान उत्पन्न होने के कारण हम लोग हर साल विधिवत अनुभागी दंडाधिकारी को आवेदन करके उनकी अनुमति से आयोजन करते थे, तो इस बार भी आयोजन के लिए आवेदन दिए थे, मगर निराकरण किसी कारणवश नहीं हो पाया था, और कुछ समय हमारे पास कम था, विलम्ब था, तो हमने निवेदन किया था उनको 13 तारीख को, कि आज दिनांक तक नहीं मिला है तो हम 16 तारीख को सारंगढ़ बंद और चक्का जाम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे इसके लिए अनुमति की मांग को लेकर के, और आज अनुभागी दंडाधिकारी महोदय के द्वारा हम सब को सारंगढ़ जो हमारे दी विश्व कल्याण शहीदों के याद में जो आयोजन होते आ रहा था उसकी अनुमति मिल गई है, और मैं इस अनुमति के लिए जिला प्रशासन, अनुभागी दंडाधिकारी महोदय, सारंगढ़ के जितने भी छोटे बड़े व्यापारी संगठन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कपड़ा व्यवसायी संघ, गल्ला किराना संघ, मजदूर हैं, किसान वर्ग है, रिक्शा ठेला हाकर समस्त नागरिकों का, समस्त युवा साथियों का मैं
आभार व्यक्त करता हूँ कि उन सब के संकल्प के चलते आज जो लड़ाई हम पिछले 7-8 वर्षों से मिला आजन करने की हमको लड़ाई लड़नी पड़ती थी उसका रास्ता साफ हुआ है। और मैं इस अवसर पर समस्त नगरवासियों क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ और प्रशासन और शासन को आभार व्यक्त करता हूँ। मेला कब से आयोजन होगा, किस प्रकार ये 26 जनवरी से प्रारंभ होगा, 3 फरवरी तक चलेगा, 9 दिन तक चलता है मेला।